ओ गोली। क्या गोलू कहाँ जा रहा है? बक्कू चाचा की मिठाई की दुकान पर। फिर से छुप छुप के मिठाई खाने जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, माँ ने मुझे पूजा के लिए लड्डू लाने के लिए कहा है। सच कह रहा है ना? मैं खड़ी होकर देखूंगी हाँ कितने एक भी लड्डू खाया है या नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं चोरी करके नहीं खाता हूँ। वाह, अब हमारा गोलू बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। सही कहा ना गोलू? मेरे मिठाइयों का स्वाद कभी नहीं मिटेगा, कुछ भी करो कभी नहीं मिटेगा। खत्म तो होगा ही। बाप रे, आपकी दुकान में कितनी मक्खियाँ हैं। अगर किसी का मन करे खरीदने को तो मक्खियों की वजह से कोई भी आपकी मिठाइयाँ नहीं खरीदेगा। क्या इतनी बड़ी बात? हाँ, इन मिठाइयों को तुम खरीद नहीं सकते हो। हम खा कमियाँ निकाल रहे हो। मैं तो यहाँ लड्डू खरीदने आया था। तो खरीदो ना, बोलो कितने लड्डू चाहिए तुम्हें? 5 लड्डू दो। बक्कू चाचा, आपकी दुकान में बहुत ज्यादा मक्खियाँ हैं, इन्हें कभी साफ भी कर दिया करो आप। मिठाई रहेगी तो मक्खी आएगी ना, जैसे तुम्हें अच्छी लगती है वैसे मक्खियों को भी अच्छी लगती है। लेकिन बक्कू चाचा, मक्खियाँ तो बहुत बीमारियाँ फैलाती है ना, ये मिठाइयाँ खाकर लोग बीमार पड़ जाएंगे। ज्यादा ज्ञान मत दो, अपनी दुकान पर जाकर ध्यान दो। तुम्हारी दुकान में मक्खी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी दुकान में बिल्कुल भी मक्खियाँ नहीं है। असल में गोलू हमारी दुकान से मिठाई खरीद रहा है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तभी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। बिल्कुल नहीं, पंटी भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपकी दुकान में मक्खियाँ बहुत ज्यादा है, बस यही कह रहे हैं। मेरी दुकान में ज्यादा मिठाइयाँ हैं, इसलिए मक्खियाँ हैं। खरीदनी है तो खरीदो, नहीं तो घर जाओ। सिर्फ 5 लड्डू लेने आए हो। ओफो, बाबा रे बाबा, आप मुझे 5 लड्डू देंगे? मुझे देर हो रही है। शेरू, मिट्ठू, तुम लोग बहुत बदमाश हो गए हो। मेरी बात एक बार में सुनते ही नहीं हो। क्यों भूतू, मैंने तेरी कौन सी बात नहीं सुनी? कल जो मैंने कहा था शेरू का घर दोनों मिलकर साफ कर दो, नहीं किया ना? ओह, अब जाके मैं याद आया तुझे। मेरा घर क्या शेरू साफ करता है? जो मैं उसका घर साफ करूंगा? कभी भी नहीं। ये कोई बात हुई क्या? मिट्ठू, घर अगर गंदा रहता है तो बीमारी फैलती है, और किसी के घर से बीमारी अगर फैले तो ये अच्छी बात नहीं है। सही कहा भूतू, सफाई नहीं रखने से बीमारियाँ फैलती हैं। सुना तुम लोगों ने? क्या हुआ? कल रात से गोलू के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसी बात है तो चलो देख कर आते हैं। ओह, मुझसे सहा नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कितनी बार कहा है कि इतने लड्डू मत खाया कर, पर ये किसी की सुनता ही नहीं, अकेले ही इतने लड्डू खा गया। पता नहीं कहाँ से लाया ये खराब लड्डू, और आज छुट्टी का दिन भी है, कोई डॉक्टर मिलेगा भी नहीं। मुझे क्या पता था लड्डू खाने से पेट दर्द हो जाएगा। तुम सब लोग बैठो यहीं, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ। मैंने कल ही कहा था बक्कू चाचा कि उनके दुकान में बैठी हुई मक्खियाँ लोगों को बीमार कर देंगी। ऐसी बात है तो एक काम करो, बक्कू चाचा को जाके तुम लोग बोलो कि दुकान साफ कर दे। कल मैंने कहा था, लेकिन कहाँ वो हमारी बात सुनने वाले हैं? नहीं बंटी भैया, ऐसे हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या बोलना चाहते हो तुम? मेरी दुकान की मिठाई खाने के बाद गोलू का पेट दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है, मैंने बार बार आपसे कहा चाचा कि अपने दुकान की थोड़ी साफ सफाई कर लीजिए, पर आपने सुना ही नहीं। चुप करो, मेरी दुकान में मच्छर रहेंगे मक्खियाँ रहेंगी, वो मैं देखूंगा। तुम जाओ यहाँ से। इस तरीके से बक्कू चाचा नहीं समझने वाले, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब तुम क्या करोगी भूतू? कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, थोड़ी देर सोच ले।